बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों और बच्चों, सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ पोटा कलेजी, चिकन पोटा कलेजी। चिकन पोटा कलेजी थोड़ा सा खाने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस होती है सबको, कि इसमें स्मेल आती है या थोड़ी सी बसात आती है, इसलिए कोई खाता नहीं है, कम खाते हैं। खाते तो हैं लेकिन कम खाते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह तो ऐसे तरीके से बनाऊँगी कि आप लोग सब खाएंगे। ये मैंने इनको पहले थोड़ा सा सिरका लगा के और इसको धो लिया था। अब धोने के बाद जो ये एक किलो है मेरे पास, ये पोटा कलेजी दोनों एक किलो, इसको मैंने इस तरह कट लगा लिया ना, दिल जो दिल थे उनको इसको कट लगा लिया। अब इसके अंदर हम मसाला लगाएंगे। यहाँ अदरक लहसुन पेस्ट और ये थोड़ी सी हल्दी, इस तरह इसको मसल के और ये थोड़ा सा मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। इसको 5 से 7 मिनट जाना पकने के लिए रख दूंगी। जब ये पक जाएगा, इसका पानी सारा निकल जाएगा, फिर मैं इसको इसका मसाला तैयार करूँगी। इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और इधर जो मसाला बनाना है हमने वो बनाएंगे। यहाँ मैंने 4 जो है लहसुन के ले लिए हैं और एक अदरक का पीस, और ये भी अदरक लहसुन का पानी है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने दरमियाने साइज के 2 प्याज ले लिए हैं, क्योंकि हमने अच्छी सी ग्रेवी बनानी है इसकी। यहाँ ये 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको इस तरह काट देंगे। एक ये बड़े साइज का टमाटर है, कुछ ये हरा धनिया, इस तरह ही काट के डाल देंगे हम इसको। इसको हम ढक्कन लगा देंगे, 5 से 6-7 मिनट इसको हम पकने देंगे, ये गल जाएगा, फिर हम मिलते हैं। यहाँ ये मेरा मसाला जो है ना, ये प्याज जो हमने पानी डाल के ग्राने के रखे थे गल चुके हैं, ये लहसुन भी गल चुका है, टमाटर भी, और इसके छिलके भी मैंने कुछ उतार दिए हैं, कुछ और उतारेंगे थोड़े से, और इसको हम उतार देंगे, पलट लेंगे बर्तन के अंदर दूसरे में। और यहाँ जो मैंने कलेजी उबालनी थी उसका ये पानी निकाल दिया है, और उसको थोड़ा सा हम धो लेंगे और ये पानी हम फेंक देंगे। इस वक्त ये मसाला हमारा इस तरह हो गया, इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। यहाँ हम पोटे के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हमने पोटों की कटाई कर ली, छोटे छोटे कर लिए पीस, और ये मसाला जो हमने इसका बॉईल किया था उसको हमने ऐसे पीस लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसके अंदर ये आयल शामिल कर देंगे। और ये 1 टेबलस्पून इसमें हम दालचीनी डाल देंगे। टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी हमने पोटा के लिए जो उबालते हुए बना दी थी। और इसमें 1 कटोरी पानी की शामिल कर देंगे। पोटा को थोड़ी देर उबालने के लिए, थोड़ा सा इसको पकाने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा गल जाए। 6 से 7 मिनट इसको हो चुके हैं, और इस वक्त हमें काफ़ी पानी का खत्म हो चुका है,
इसमें से ग्रेवी हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैं 3-4 चम्मच दही के डालूंगी। दही ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो टमाटर की भी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मुझे दही ग्रेवी में अच्छी लगती है। इस वक्त हम ये नमक भी शामिल कर देंगे। और इस वक्त हम ये कलेजी, चिकन कलेजी भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी छोटी बोटी नहीं की है, तो मैं ऐसे ही रखूंगी इसको। कलेजी हमारी पहले भी गली हुई है, इसको हम थोड़ा ही पकाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे। ये भुना कुटा जीरा है, ये देसी घी का 1 चम्मच, ये 2 चुटकी काली मिर्च है, ये मेरा चिकन पाउडर मसाला है, ये 1 चम्मच शामिल करूंगी। इस वक्त ये हम इसमें अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे। और ये इतना रखना चाहे तो इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ढीला करूंगी, थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, थोड़ा सा, इनकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली करनी है। बस हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कलेजी अच्छी तरह गली हुई है। इस वक्त हमारा ये पोटा कलेजी तैयार हो चुका है खाने के लिए। चिकन पोटा कलेजी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।